जय हिंद दोस्तों, ट्रेंस एक्शन क्लब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है दीपक शर्मा ने, जिन्होंने यात्रा की शाहजहांपुर से खटीमा के लिए, लेकिन ये यात्रा वाया पीलीभीत हुई। और जिनको भी खटीमा यानी उत्तराखंड की दिशा में जाना होता है शाहजहांपुर से, या फिर टनकपुर की अगर हम सीधे बात करें, क्योंकि पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग पर पड़ता है खटीमा, और आगे बनबसा पड़ता है, जिसके बाद फिर माता पूर्णागिरी के दरबार के लिए लोग जाते हैं टनकपुर। पूर्व के समय में जब यहाँ पर छोटी लाइन हुआ करती थी तो शाहजहांपुर से सीधी रेल सेवा हुआ करती थी मीटर गेज पर टनकपुर के लिए, और साथ ही साथ मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती थी। लेकिन आज हाल ये है बड़ी लाइन हो जाने के बाद कि शाहजहांपुर पीलीभीत रेल मार्ग पर पड़ने वाले जो स्टेशन्स हैं और वहाँ पर रहने वाले जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, अगर उनको आज टनकपुर खटीमा जाना हो, उस दिशा में यात्रा करनी हो, तो पीलीभीत जा करके ट्रेन बदलनी पड़ती है। पहले यात्रा आप करिए शाहजहांपुर से पीलीभीत जंक्शन तक, जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, और उसके बाद फिर पीलीभीत जंक्शन से आप कासगंज टनकपुर मेला स्पेशल, या जो बरेली सिटी की दिशा से पीलीभीत होते हुए टनकपुर ट्रेन्स आ रही हैं, उसको फिर आप पीलीभीत से पकड़ते हैं। वहाँ पर सामान सहित उतरिए, डिबोर्ड होइए ट्रेन से, उसके बाद फिर ट्रेन का इंतज़ार करिए, और उसके बाद दूसरी ट्रेन में आप यात्रा शुरू करते हैं। तो ये परेशानी काफ़ी लंबे समय से हो रही है। मार्ग परिवर्तन की भी बात की जा रही थी, लेकिन वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हालांकि जब बंथरा और रसुईया में मेगा ब्लॉक लिया गया तो ज़रूर ट्रेन त्रिवेणी एक्सप्रेस इस रास्ते चलाई गई, लेकिन चूँकि यहाँ पर उसका कोई हॉल्ट नहीं है किसी स्टेशन पर, तो उसका कोई लाभ इस रूट पर पड़ने वाले जो लोग स्टेशन हैं उनको, लोगों को नहीं मिला है। तो एक छोटी सी यात्रा खटीमा तक, उसकी कुछ झलकियां लेकर के आपके सामने हम आ रहे हैं इस वीडियो में। यात्रा एंजॉय करिए, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाहजहांपुर से पीलीभीत होते हुए अगर आप टनकपुर जाएंगे और सीधी रेल चलाई जाए, तो पीलीभीत जंक्शन पर लोको रिवर्सल करना पड़ता है टनकपुर की दिशा में ट्रेन को भेजने के लिए। तो शायद एक कारण ये हो सकता है जिसके चलते अभी रेल अधिकारी इज्जत नगर मंडल के शाहजहांपुर से सीधी ट्रेन नहीं चला रहे हैं टनकपुर के लिए, और आने वाले समय में जब मेमू ट्रेन्स आ जाएंगी तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती है, तो हो सकता है टनकपुर को सीधी ट्रेन चले। और चूंकि अभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो डिब्बे के अंदर आप देख सकते हैं सवारियां कितनी कम है, पैसेंजर्स बहुत कम बैठे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग बस को प्राथमिकता देते हैं, बस प्रेफर करते हैं, क्योंकि शाहजहांपुर से सीधे बस में टनकपुर पहुंचना उनको अधिक सुविधाजनक लगता है। हालांकि महंगा ज़रूर पड़ता है, पर जिनके पास अधिक सामान है, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो फिर डायरेक्ट ट्रेन जब नहीं है सीधी कनेक्टिविटी, तो पीलीभीत जा करके फिर ट्रेन को उतर करके दूसरी ट्रेन को पकड़ना शायद उतना आसान नहीं होता है सामान के साथ बहुत से लोगों के लिए। तो फिर इस कारण से लोग बस से जा रहे हैं और ट्रेन अवॉइड कर रहे हैं, जिसके चलते जो ट्रेन चल रही है उसमें उतने यात्री पर्याप्त मात्रा में, अगर हम कहें विशेषकर जिनको मेला दर्शन करने जाना है, श्रद्धालु जो हैं पूर्णागिरी के, वो चलते हुए नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ पीलीभीत तक की जो मैक्सिमम सवारियाँ हैं लोकल, या जो रास्ते में निगोही बीसलपुर भोपतपुर स्टेशन पड़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेक खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की दिशा में निगोही स्टेशन के ऊपर।
Thank you.
आप लोगों को चुरा ला रही है।